सूखा पड़े या बारिश ज्यादा हो, हर हाल में इसकी भरपाई किसानों को ही करनी पड़ती है। यहाँ ललितपुर जिले में कई साल से लोग उर्द की फसल नहीं बो पा रहे हैं। यहाँ पर उर्द की फसल ज्यादा बोई जाती है। पिछले कई सालों से किसानों ने बताया कि बारिश ज्यादा हो रही थी, इस वजह से उर्द की फसल बो ही नहीं पाए। और इस साल शुरू में तो बारिश इतनी कम हुई कि लग ही नहीं रहा था कि उर्द की फसल बो पाएंगे। पेड़ सूखने लगे थे, लेकिन बारिश ज्यादा होने लगी और फसल किसानों की सड़ने लगी। बनपुरा गांव के किसानों ने बताया कि ज्यादा बारिश होने की वजह से उर्द की फसल 70-80% खराब हो चुकी है। पेड़ खेत के अंदर ही सड़ चुके हैं। शुरुआत में तो क्या है कि बारिश धीमी धीमी हुई, जैसा मतलब हमारी फसल के लिए था तो अच्छे से थी, लेकिन अभी जो बीच में पानी बरसा है, जो अभी इस टाइम पे पानी बरस रहा है, इस वजह से सारी फसल नष्ट हो गई है। क्योंकि जहाँ अभी हम लोग अपने खेतों में जाते हैं, वहाँ पे यहाँ घुटनों से पानी भरा है और खेतों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और जब घुटनों से पानी भरा है तो पेड़ जो हैं वो डूबे हुए हैं पानी में, और जब पेड़ पानी में डूबे हैं तो जो उनकी कोंस लगी उसमें, उसके सारे जो दाने हैं वो नीचे गिर गए हैं और उसमें अंकुर निकल आए। इस वजह से सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। मतलब हमारे हिसाब से मैं लगता है कि जैसे हम लोग जितना बीज बोते हैं तो उसके उम्मीद से 2-3 लाख रुपए की उड़द निकल आते हैं, लेकिन उस बीज को बोने के बाद अभी ये उम्मीद भी नहीं है कि हमारे खेतों में से हमें भूसा भी मिल जाए। उड़द तो मिलना बहुत दूर है, लेकिन भूसा ही मिल जाए इतनी भी उम्मीद नहीं है। अभी जो बारिश हो रही है और वो जो अभी उड़द की फसल तैयार है, उसके लिए कितना मतलब कितना असर डालेंगे? पहला वैसे नन्या सो सूख गई, अब जो कि जो धूप ऐसे लगे सो अब नुकसान है, पानी वैसरा से खराब हो गया। आपने कितने खेत में बोया हुआ? 2-3 एकड़ की जगह में है। अब ज़्यादा बारिश हो गई सो कोसे सर गई, मूंग सर गई, और जो पानी रुक नहीं रहा खेत भरे ही सो कुछ नहीं है, और दाना नहीं, मूंग भी सर गई, टूर के लिए आए तो भी कोसे सरी निकली, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। हाँ हाँ, हमारी तो छोटी सी खेती है, कुल में खाना से 1.5 एकड़ है, बेबी से आ गई सब कोई कुछ नहीं, और मोदी वा पैसा सो बेबी नहीं आ रही, 1.5 साल से बेबी कट रहे। क्या कह रही थी आपने, कितनी खेत में बोया हुआ था उड़द और मूंग? 5-6 एकड़ है हमारी पूरी, 250 पूरी में भाई हमारी 1-1.5 डेढ़ डेढ़ टराली हुआ था करके, इन्हें कछु नहीं है, और मूंग से बिल्कुल सारा ही। अगर वो फसल तैयार हो जाती तो आपकी किस किस काम में आता? का काम नहीं कहे थे बाबू, उसकी तजार हो जाती थी, सब का चुकाए थे, खाए थे मकान बनाए थे, बिटिया नाती नतन के ब्याह कहे थे, वही का नहीं कहे थे। हाँ, बहुत सब नुकसानदार है, कहे गए अब फसल आ तो गई है थोड़ी बहुत, जो भी लगी है फलियाँ उसमें उर्द में। और पहले क्या हुआ कि पहले तो पानी बरसा नहीं है, थोड़ा सूख गया था, सूखने के बाद जब करवाओ तो फिर पानी बरस गया ज़्यादा थोड़ा, तो उसमें करवा लग गया, और जो है कि नहीं फसल के लाने कम फर पाए, मतलब फसल भी कम होगी। हाँ फसल, अभी जो लगातार बारिश हो रही है इससे सब नुकसान होगा, हाँ फसल जो है सड़ जाएगी। अभी क्या है, सर्वे किया जा रहा है और क्रॉप कटिंग की जाती है, हर ग्राम पंचायत स्तर पर शासन के स्तर से जो रैंडम नंबर आते हैं, रैंडमाइज उनमें उनको खसरे से भाग दे के सिलेक्ट करके उसके पश्चात जो नंबर आता है उसकी मौके पे क्रॉप कटिंग होती है, उसके अनुसार जो फसल की वजन आता है उसके अनुसार ही क्षति कितनी है उस वो उसका आकलन किया जाता है। और ये सारे ज़िले में सारे यूपी स्तर पे होता है, हर ग्राम पंचायत स्तर पे नंबर आते हैं अलग अलग फसल के, उनके अनुसार ही पूरा डाटा कलेक्ट करके और उसके अनुसार ही मतलब किसानों को क्षति होती है वो देय होता है। इसमें जो बीमा विभाग वाले हैं वो भी जाते हैं मौके पे, जैसे कि परसेंट निकाला जाएगा। हाँ, आधार पे। हाँ हाँ जी कितना मुआवजा किस हिसाब से मिलता है? नहीं अभी तो क्या है कि बीमे अभी तो क्या है बीमा का लाभ बीमा कंपनी देगी। अभी कल जैसे हम बेगा महावत में गए थे तो वहाँ पे उसका क्या नाम है एक मतलब 2-3 नंबरों की उसका क्या नाम क्रॉप कटिंग कराई है, बीमा कंपनी वाले थे तो 2 किलो 900 ग्राम आई है उत्पादन 1 डिसमिल का 1 नंबर में। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, फिर जिला स्तर पर उसको कलेक्ट करके फिर जो डाटा आता है उस डाटा के हिसाब से ही सारा आकलन होता है, सारे जिला स्तर का एक आंकड़ा बना के फिर बीमा कंपनी जो होती है वो अपने अनुसार जो उनका मानक तय है उसी के अनुसार किसानों को दे होता है। तो
बीमा कंपनी को जो जांच जाती है वो आप लोग के द्वारा? नहीं, बीमा कंपनी को हम लोगों के द्वारा जांच नहीं जाती है, जिला स्तर से डाटा कलेक्ट करते हैं वो लोग कि भाई पूरे उसका क्या नाम है, ब्लॉक स्तर पे कितना नुकसान हुआ है, तहसील स्तर पे कितना हुआ है, जिला स्तर पे कितना हुआ है, उस डाटा के हिसाब से ही उसका क्या नाम किसानों को उनकी फसल का जो क्षति होती है उसका मतलब उसके अंतर्गत लाभदेय होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।